हे भगवान, न जाने कौन से जन्म का बदला लिया जो ये पड़ोसी मिले हैं। लोग तो गाय बकरी भैंस पालते हैं और इनकी वजह से हमारे आंगन में मुर्गे घूमते हैं। अरे मुर्गी नहीं होगी तो इनके अंडे कहाँ से मिलेंगे? मुर्गी अंडे देते देते थक जाएगी लेकिन खाते हुए नहीं थकेंगे। जनाब सुबह पे जरा लगाम दे और मजहब पर तो ना ही जाइएगा, नहीं तो क्या। लो आ गई सुला की देवी। जनाब आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं, आप सुबह सुबह चाय के चुस्के का लुफ्त उठाइए ना, कहाँ इन छोटी छोटी बातों पर इन्हें मोहब्बत की भाषा समझ नहीं आती ना तरुणुम, वो तो तुम आ गई। वरना क्या, वरना दोनों परिवार मिलकर दावत करते है ना, जाने दो मुल्कों में सुलह कब होगी। उन पड़ोसियों की चिंची की बात तो बाहर सुनना जरूरी था, लेकिन माँ दीदी तो अच्छी है। खाक अच्छी है, सबकी आदरा उसी का है, आखिर में आती है और हा हा ही करके चली जाती है। अरे रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए। वो बच्चे डॉक्टर वो। अच्छा वो जो तीन लोग अभी आए हैं जी, आप कौन? हम उनके सिर्फ पड़ोसी हैं। क्यों उनके घर से कोई नहीं आया? हम है ना। देखिए तीन ऑपरेशंस का खर्चा है। तरनुम तुम होश में तो हो? फिर क्यों रहे हम उनके साथ? तुम्हारा मतलब कहीं? कैसे हो तुम? शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे शुक्रिया, अपने पड़ोसियों का अदा करो, ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है। नहीं है मच्छर पड़ोसी, फिर क्यों रहे हम उनके साथ? तुम्हारा मतलब कहीं घर बेचने से तो नहीं? तन्नुम तुम्हें पता भी है ये तुम्हारी अम्मी की आखिरी निशानी है और इन लोगों के कारण तुम अपना घर बेचोगी?
आज अगर अम्मी की निशानी की वजह से किसी की जान बचती है तो अम्मी की रूह को कितना सुकून मिलेगा। भाई ये लोग हमारी कौम के भी नहीं है। तो क्या हमने कभी दिवाली नहीं मनाई? क्या उन लोगों ने ईद की खुशियाँ नहीं बांटी? इसी आंगन में हमने हर त्योहार मनाया है। तुम अभी भी सोच लो। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत नहीं। आंगन तो सबके एक ही होते हैं, बस मजहब की दीवार से बटे हुए हैं।